दोस्तों मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों नरूरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जिसके दिन आज आप अपने तरफ मुंह मोड़ सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो कट ऑफ्स गई हैं 2024 में दे आर इनक्रेडिबल। अगर इस कॉलेज की हम प्लेसमेंट्स की बात करें दे आर इंप्रूविंग डे बाय डे, और इसके अलावा जो इनके ब्रांचेस भी ऐड ऑन हुए हैं दे आर मोर मेच्योर कम्पेयर टू एनी अदर कॉलेजेस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। आज हम बात किए थे जो दोस्तों सुबह सुबह नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जिनमें नए ब्रांचेस आज के दिन ऐड हुए हैं, जहाँ पर नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो नए ब्रांचेस हैं दे वर एडेड इन 2024 में, जब उनके आसपास के बैचेस जब अब 2025 में पास आउट्स हो रहे हैं दे आर गेटिंग गुड प्लेसमेंट्स आउट ऑफ दिस। तो हम लोग जो है एक एनालिसिस भी लगा सकते हैं कि शुड वी गो इन टू दिस कॉलेज और नॉट। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाते रहता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और चलिए शुरू करें। बात करते हैं नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात की, तो ये कॉलेज दोस्तों GIES ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। साथ में इसकी जो अफिलियेशन है वो मकाउट के द्वारा है, AICTE अप्रूव्ड है, और साथ में दोस्तों ये कॉलेज जो है आपको अलग अलग ऐसे कमाल की चीज़ें ऑफर करता है जो शायद आपको कहूँ और ना मिले। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इनमें जो ब्रांचेस पढ़ाए जाते हैं वो आपकी स्क्रीन पे अभी वैलिड हो रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इसके बाद इनका प्रीमियम ब्रांच है दैट इज़ कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। फिर आता है इसकी IT ब्रांच को हम देख सकते हैं, इनकी जो IT ब्रांच है उनका सिलेबस CSE से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मतलब कहें तो 100% के ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके बाद हम नंबर थर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस। डेटा साइंस का आपको पता होगा कि गेट पे भी एक डेटा साइंस का पेपर ऐड हो चुका है, सो डेटा साइंस का आने वाले टाइम पे बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर है। हम बात करें नंबर 3 साइबर सिक्योरिटी के सब्जेक्ट्स भी देखने को मिल, हमारे एडमिशन कमिटी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके अभी नंबर फ्लैश हो रहा होगा, ये आपके बंगाली के लिए है, ये नंबर आपके पास फ्लैश हो रहा होगा दैट इज फॉर हिंदी के लिए। आप चाहें तो अभी हमारे ऑफिस को भी विजिट कर सकते हैं और प्रोसेस करवा सकते हैं अपनी एडमिशन एज सून एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो है हमें कौन कौन से ब्रांचेस में अच्छे प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं, कौन सी कंपनीज देखने को मिलती है, उसके पहले हम देखें क्या इसमें कल्चर लाइफ कैसा है। कैंपस हम बात करें काफ़ी बेहतरीन है, कॉलेज में एक ड्रेस कोड भी है तो बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी लग सकता है बुरा भी लग सकता है। साथ में दोस्तों ड्रेस कोड होने का फ़ायदा है, देखिए बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा सच के आ रहा है, कोई एकदम ऐसे आ रहा है, तो ड्रेस कोड रहने से क्या होता है एक मेंटेन डिसिप्लिन रहता है, और प्राइवेट कॉलेजेस इसमें ब्रांडिंग के लिए ड्रेस कोड रखती भी हैं। इसके साथ साथ हम बात करें आपको आज के दिन कोई भी अच्छी कॉलेज देखें IIM देखें ड्रेस कोड है कि नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करें इसके बाद जो है कल्चरल फेस्ट आपको देखने को मिलेगा, टेक फेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टेक फेस्ट जो है नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एसोसिएटेड रहती है, मैंने खुद जाकर देखी है दोस्तों, काफ़ी काफ़ी अच्छी इनकी टेक फेस्ट है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर दूसरे कल्चरल फेस्ट पे हमें देखने को मिल जाते हैं। फ्रेशर्स की बात करें या फिर दूसरे टाइप ऑफ जो भी इवेंट्स होते हैं नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। सो कॉलेज लाइफ के मामले में हम 1% की भी कमी जो है यहाँ पर नहीं देख सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और टाइप ऑफ डिफरेंट फेस्ट भी होते रहते हैं, तो यू कैन एंजॉय योर लाइफ। बात करें दोस्तों इसके बाद जो है सेकेंडरी मूव करें इंटर्नशिप्स की तरफ, तो देखा गया कि CSE में काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप्स के ऑर्गेनाइजेशंस विजिट किए हैं रीसेंट ईयर्स में, और वो काफ़ी अच्छा ऑफर्स भी दिए। बात करें तो PwC यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे पोस्ट दिए आपको, अपने क्या बोलते हैं LTIMindtree देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है दूसरे बात करें तो ITC या फिर ITC इन्फोटेक और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस जो है नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में देखें। अगर आपको इनका ऑफिशियल सा हमने ये चाहिए मतलब प्लेसमेंट ब्रोशर, तो हमने एक वीडियो पे प्रोवाइड भी किया था, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप देखेंगे कि इंटर्नशिप्स में अच्छी खासी कंपनी यहाँ आ रही है। बात करें दोस्तों इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स के बारे में, सो प्लेसमेंट्स के पहले हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हैं, आप चाहें तो हमारे एडमिशन कमिटी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हम लोग सबसे ऑथेंटिकेट एडमिशंस करवाते हैं, और साथ में जो है कॉलेजेस में हमारी MOU साइंड है, सो हम लोग जो है डायरेक्टली आपके एडमिशंस करा सकते हैं, और आपको बजट भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा किसी भी दूसरी जगह से। इसके साथ साथ हम लोग चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में जो है अगर आप देखें इनके प्लेसमेंट्स को, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 80-85% का प्लेसमेंट हमेशा देखने को मिला है, जहाँ पर सिविल पढ़ाया जा रहा है, मैकेनिकल पढ़ाया जा रहा है, आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ाया जा रहा है, सो कोर डिपार्टमेंट्स होते हुए भी यहाँ पर जो है 80% तक का प्लेसमेंट गया है लास्ट ईयर में, जहाँ पर इतने सारे ब्रांचेस थे, तो ये कॉलेज जो काफ़ी डिजर्विंग है।
बात करें आने वाले टाइम पे कॉलेज काफी ऊपर जा सकता है। इसके साथ साथ हम यहाँ भी देख सकते हैं कि इसको NIRF रैंकिंग भी मिली है और NIRF रैंकिंग में जो है इनकी जो मीडियम पैकेज है, मतलब आधे बच्चे इससे ज्यादा आधे बच्चे इससे कम, वो है 5.5 लाख, जो दोस्तों हेरिटेज से भी ज्यादा है। हेरिटेज का है सिर्फ 4.8, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जा रहा है, मतलब हम प्लेसमेंट्स के मामले में बात करें तो। इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज कॉलेज ने 27 लाख प्रोवाइड किया था आउटर्स में, और ऑन कैंपस 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज प्रोवाइड किया है। एक कॉलेज के लिए 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज देना दोस्तों काफ़ी मुश्किल की बात है, जहाँ नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसके लिए सक्सीड किया है, तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव नोट। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे बैच पास आउट होने पे प्लेसमेंट परसेंटेज भी जो है 80% के ऊपर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव नोट कि आप यहाँ पर इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉलेज में अगर एडमिशन की, तो इस साल जो है WPGE में अराउंड 20,000 के आसपास गया है दोस्तों इसका CSE, और CSE स्पेशलाइजेशन आपको 30,000 to 35,000 के आसपास कट ऑफ्स में देखने को मिला है। तो अगर आपने भरा था तो आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ECE तो आपको पता है कि बहुत ही ट्रेंड गिर गया है, तो इसलिए ECE का कट ऑफ 45,000 to 50,000 तक चला गया है। बट इसके बाद जो है आपको दूसरे ब्रांचेस अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन्स वहाँ से ना लें, हमारे यहाँ से लें, हम लोग आपकी फ़ीस को बहुत डिस्काउंट कर देंगे। फीस आपको पड़ेगा सिर्फ 4.2 लाख वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है सिर्फ 3.5 लाख पड़ेगा। नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई भी ब्रांच आप लेंगे, हम लोग आपको जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए भी अवेल आपको करवा देंगे, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन्स ले रहे हैं हमारे तरफ से, तो क्योंकि हम लोग वहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेल कर का हो जाता है और अवेल आप करवा पाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो था जहाँ पर हमने नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक तो NIRF रैंकिंग को देखा कि 200 से लेकर 250 के आसपास है। इसके अलावा ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा गुड परफॉर्मेंस दे रहा है, प्लेसमेंट्स अच्छी हो रही हैं, तो यहाँ पर कुछ तो फॉल्ट्स होगा, मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है। सो एक फॉल्ट है दोस्तों कि जो इसका जो आपका हॉस्टल देखने को मिलता है वो ज़रा कैंपस से बाहर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैनेज कर दिया जा सकता है। इसके अलावा इस कॉलेज में एक ड्रेस कोड है जो भी मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स पहन रहे तो आपको कभी ऑड फील नहीं होगा, और एज वेल एज इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा ऑड है। अगर हाँ, अगर आपको बहुत लोअर ब्रांच मिल रहा है तो यस, कॉम्पिटिशन विल बी टफ फॉर यू, बट आपके लिए भी कॉम्पिटिशन जो है अच्छा हो सकता है। आपको मकाउट एसोसिएटेड डिग्री भी प्रोवाइड की जा रही है, तो आपको आपकी डिग्री अफिलिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड यू कैन श्योरली पुश योरसेल्फ अप, क्योंकि वो काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों ये थी आज की पर्टिकुलर वीडियो जहाँ हमने बात किया नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन वेस्ट बंगाल। सो दोस्तों क्या ये वीडियो आपको पसंद आया? अगर वीडियो पसंद आया तो अभी के अभी लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।